सत्र बुलाने की योजना इतनी जल्दी नहीं बनी होगी और मुझे लगता है कि उसका संबंध वो तो मेरा अलग 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 छोटा सा सवाल है, मेन चीज है रिपोर्ट का क्या हवाला है। बिल्कुल उसका संबंध आज की बैठक से होगा कि बैठक हो जाए अगर तो सत्र बुलाई जाएगी और वो हो सकता है। ये रिपोर्ट तो आनी ही थी और रिपोर्ट का सत्र से कोई लेना देना नहीं है। सत्र में तो आप और हंगामे का मसाला दे रहे हैं। तो बिल्कुल अगर कुछ और योजना हो और कुछ और जबरन पास करा लिया जाना हो तो वो सब अलग बात है और हो सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट से सत्र का संबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि सत्र में तो हंगामा ही होना है और हंगामा ही कटना है। तो इस ये मेरी राय है, मतलब गलत हो सकता हूँ। जहां तक इस रिपोर्ट की बात है तो रिपोर्ट चूंकि भारत में छपती नहीं तो वहां छपी, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग लिख नहीं सकते थे, जानते नहीं थे या लिखते नहीं थे। सब कुछ लिखा हुआ है, लगभग सब कुछ सार्वजनिक है, जो है वो एक बार और लिख दिया गया है। और हम लिखते तो छपता नहीं या छपता तो कोई पढ़ता नहीं, वो वहां छपा है तो ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, उसकी ज्यादा चर्चा है, इसमें कुछ नया एज सच नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उसमें जो है वो सबको पता है, अगर उसको आप नया भी मान ले तो वो सबको पता है कि सेबी को शिकायत की गई थी, सेबी के पास शिकायत है। अब वो 2014 में थी कि 2009 में थी कि 2017 में की गई, उसे क्या फर्क पड़ता है। सेबी ने 2023 तक जांच करके कोई ढंग की रिपोर्ट नहीं दी है। मोटा मोटी सेबी ने यही कहा है कि हम जानते तो हैं कि गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ कैसे है, क्या है, हमें सबूत नहीं मिल रहा, एक दीवार के पास फंस गए, उसके पीछे उसके आगे की बात नहीं जानते। मोटा मोटी सेबी ने यही अभी तक यही कहा है। तो अगर सेबी जांच नहीं कर पा रही है तो ये तो चिंता सेबी के साथ वालों को, सेबी को देखने वालों की होनी चाहिए थी कि आगे सच कैसे पता चलेगा। अगर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसका पता चलना चाहिए, और पता तो उससे भी चलेगा कि जिसने गड़बड़ी की है उसको पकड़ के बंद कर दो, बता देगा। तो आप वो करेंगे नहीं, उसके लिए तो मनीष सिसोदिया है। तो आपने जो किया है उसमें सच पता नहीं चलना है तो नहीं चलेगा, और अगर आप पता लगाना चाहें तो सबको पता है कि कैसे क्या होता है। कुल मिलाकर के ये है कि अडानी ग्रुप में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो किस कंपनी का है, वो उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन नाम सब लोग जानते हैं कि किसकी कंपनी है। उसमें एक हेडिंग है, हेडिंग पर बड़ा सवाल है, मोदी परिवार लिखा हुआ, अडानी परिवार के मोदी या मोदी परिवार के अडानी, वो बड़ा टेंशन दिए हुए है हेडिंग। वो परिवार क्यों किया गया है, मोदी अडानी फैमिली शब्द है उसमें हेडिंग। अब मोदी जी परिवार की बात करने लगे थे, वैसे भी वो देशवासियों को परिवार कह रहे हैं तो परिवार ही है, इसलिए वो लोग भी तो देख ही रहे हैं और हम भी देख ही रहे हैं, तो इस तरह का परिवर्तन तो लिखने में हम लोग भी कर देते हैं, तो वो कोई खास बात नहीं है। अब अगर मोदी जी कह रहे हैं कि देश परिवार है तो जाहिर है उनका परिवार ही है, लेकिन वो परिवार नहीं है, परिवार से ज्यादा है। और मुझे लगता है कि परिवार लिखने से कुछ बच रहा है, कुछ रह जा रहा है जो परिवार में नहीं आ रहा है। मारी तो जनता ही जाती है और वही मारी जाएगी, बाकी कुछ नहीं होना है। बाकी लोगों का तो की चांदी है रहेगी, उसमें कोई वो नहीं, तो जनता ही मारी जाएगी। और अभी मुझे जो आपने कहा कि गडकरी जी को और ये वो, तो संघ परिवार के लिए, बेसिकली भाजपा के लिए नहीं, संघ परिवार के लिए अगली बार सरकार बनाने के लिए, मैंने वैसे तो मोदी जी दावा कर ही रहे हैं कि हम आएंगे और ये वो, लेकिन जो हालत है जैसे सरकार चली है उसमें संघ परिवार के लिए मुझे एक ऑप्शन नजर आता है कि मोदी जी को हटा दिया जाए और किसी और को आगे कर दिया जाए, और फिर ईमानदारी का ढोंग किया जाए और ईमानदारी के नाम पर फिर गडकरी जी आ जाए और ये वो, तो ये हो सकता है, इसकी संभावना हो सकती है। लेकिन जिस ढंग से मोदी जी को बड़ा बनाया गया और 56 इंची से लेकर के और बाकी सब, उसमें वो कितना चल पाएगा वो उन्हीं लोगों को सोचना है। जब वो कर देंगे तब हम उस पर बात करेंगे, अभी फिलहाल वही लोग सोचे कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी जी को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया और बहुत ज्यादा श्रेय दिया गया है, तो उसमें वो मुझे लगता नहीं है कि गडकरी जी चल पाएंगे। फिर भी वो बात की बात है, तब बाद में देखेंगे। अभी जैसा अभिषेक जी ने कहा कि पहले भी भ्रष्टाचार के मामले होते थे और पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जेपीसी भी हुई, हर्षद मेहता जेल भी गए, बाकी सब कुछ हुआ, अब तो कुछ नहीं होता, अब तो कुछ नहीं होता, अखबार में खबर नहीं छपती। बोफर्स पे ये किताब है, ये किताब है बोफर्स पे, ये स्वीडन में भारत के राजदूत की किताब है, उन्होंने लिखा है द एम्बेसडर्स एविडेंस, ये सबूत है उनका कि राजीव गांधी ने रिश्वत ली थी क्वाटरोची के जरिए। इस किताब में एक लाइन ये स्पष्ट लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी
पर वो दोष साबित नहीं हुआ, उन्होंने पैसे लेने की बात नहीं बनी। तो ये सबूत ये अपने राजदूत ने कहा है जो सरकारी नौकरी पर वहां थे। अब कोई कह देगा कि पेगासस खरीदा गया है कि नहीं, बता दे कोई, इजराइल वाले बता सकते हैं कि पेगासस खरीदा गया है कि नहीं? ना ही बोलते, तो ना भी तो नहीं बोल रहा कोई। तो ये हालत है कि अभी सिर्फ मध्यम वर्ग नहीं, सब लोग, किसी की बोलती नहीं निकल रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और पहले ऐसा होता था कि लोग किताब लिख देते थे, तो ये अंतर आया, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। जहां तक ये रिपोर्ट और इसकी बात है, तो ये अडानी वाला मामला इसलिए बड़ा है कि आप लोग शायद भूल गए या चर्चा नहीं हुई, इसलिए मैं उसको रिमाइंड कर दे रहा हूं कि उस समय जो इनका 20,000 करोड़ रुपए का जो FPO आ रहा था, और उस समय जो अडानी के शेयर के वैल्यू बढ़े हुए थे, उसमें 20,000 करोड़ रुपया आ जाता और शेयर के वैल्यू गिर जाते तो अडानी के पास 20,000 करोड़ रुपए आ जाते बाकायदा सफेद पब्लिक के। उस पैसे से जो सरकार प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन और रेलवे बेच रही है या वैगन बेच रही है, उसको खरीदा जा सकता था। अडानी को बेचना है, अडानी को दे देना है, ये तो तय है, लेकिन अडानी उतना ही खरीद पाएंगे या उनको उतना ही दिया जा सकता है जितने सफेद पैसे उनके पास हो। तो पैसा कमवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, अगर सरकार को देना है तो। तो ये 20,000 करोड़ रुपए कमवाने की व्यवस्था थी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण नहीं हो पाई, और FPO ही कैंसिल हो गया, तो वो पूरा मामला चौपट हो गया। तो इसलिए जितना बड़ा हमला था या जितना नुकसान हुआ, उतना हिंडनबर्ग को बदनाम करने की कोशिश हुई, और मामला शांत हो गया था। जैसा भीसेकी ने कहा कि शांत रहेगा मामला तो बात हो जाएगी, लेकिन शांत रहने का ही तो नुकसान है, और राजनीति यही है। तो इसलिए ये नई वाली रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि नहीं भाई, सेबी तो और आगे है, उसको तो 2014 में ही जानकारी दी गई थी और उसने कोई जांच नहीं की। जो इस रिपोर्ट में नहीं लिखा है वो ये भी है कि जो उस समय जांच करने वाले थे वो अभी NDTV में डायरेक्टर हैं। तो जो पत्रकारिता कर रहा है परंजय गुहा ठकुराता, उनपे अडानी ने मानहानि के 5 मामले कर रखे हैं, और जिनने सेबी की ओर से इनके खिलाफ जांच नहीं की या भारत सरकार का काम नहीं किया और भारत सरकार से वेतन लिया, तनख्वाह लिया, भत्ते लिए और हमारा आपका नुकसान किया, वो अडानी की कंपनी में डायरेक्टर है और जो सैलरी पा रहा था उससे ज्यादा पा रहा होगा। तो ये सारी व्यवस्था की गई है, और इसमें अगर कहीं कुछ पिन चुभता है तो कितनी तकलीफ होती होगी, इसका अंदाजा हम आप लगा सकते हैं, और वही हो रहा है। क्योंकि हर रिपोर्ट से, जैसा हम लोगों ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ खास है नहीं, लेकिन यहां छपता नहीं है तो इन्होंने तो मैनेज कर लिया है। सिर्फ रिपोर्ट छप जाने और सिर्फ चर्चा होने से जो अभिषेक जी ने कहा वो होता है, और उससे जो तकलीफ होती है वो संसद का सत्र बुलाने के लिए मजबूर करती है, फिर उससे चर्चा होती है, तो ये पूरा साइकिल बनता है, और जिसमें ये फंस गए हैं, और फंस गए हैं तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि अगली बार हम नहीं आएंगे। तो ये सारा मामला ऐसे देखना चाहिए कि जो इनकी प्लानिंग थी वो बहुत बड़ी थी कि 20,000 करोड़ रुपया पब्लिक से दिलवा दीजिए और 20,000 करोड़ रुपए में उसको भारत सरकार का माल दे दीजिए। तो 20,000 करोड़ और 20,000 करोड़ का मानना पैसा आपका, माल भी आपका। तो इस तरह से ये जो खेल होना था वो नहीं हुआ, लेकिन सरकार कर ये रही है। और जब सरकार अडानी को इतना करने के लिए तैयार है या व्याकुल है या परेशान है, तो वो जांच क्या करेगी और क्या करवाएगी वो तो सबको पता है। तथ्य ये भी है कि 2014 से 2023 तक जांच नहीं हुई, तो आगे क्या होगी? अगर सेबी कहती है कि जांच नहीं कर सकती है, उसको सबूत नहीं मिल रहा है या कुछ भी, तो जाहिर है कि JPC बैठा तो सब हो जाएगा। कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि मोदी जी ने जांच नहीं करवाई, पर इनको उसकी भी चिंता नहीं है। वो सिर्फ मोदी जी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं पूरे संघ परिवार की बात कर रहा हूं कि पूरे संघ परिवार में किसी को ये चिंता नहीं है कि हम एक जांच करने का ढोंग तो करें, वो ढोंग भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी को हटाकर किसी और को ला करके और 2024 चुनाव में उसको आगे कर देने की योजना हो सकती है, हो सकता है वो मजबूरी में हो सकता है योजना में हो, लेकिन वो बात की बात है, जब होगा तब देखेंगे। अभी तो यही है कि ये जो करना चाह रहे थे सो हुआ नहीं, और करना यह है कि अडानी को पूरा माल दे देना है ताकि वो आगे भी फाइनेंसर रहे और उसी से चुनाव लड़ा जाता रहे। अब बाकी लोगों को आपने खाली कर दिया है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रवार जी।